और क्या ही बताओ आप सबको कि भाई सर जो है ना बहुत तेज़ी से फट रही है भाई, समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। क्यों हुआ है ये? इसलिए हुआ कि मैं जो ठंड में था और डायरेक्टली जो है मतलब कि तुरंत हमने चेंज किया अपना जो जगह, इसलिए जो है मेरे को इस तरह हो रहा है। और कोई दिक्कत नहीं है, बस हमारे साथ बने रहो भाई। अभी जो है मैं ट्रैवल कर रहा हूँ और शायद आपको आवाज़ हमारी सुनाई पड़ती होगी, क्या ही बताएं। यहाँ में जो है ये देख सकते हो कितनी ज़्यादा तादाद में जो है बस भरी हुई है भाई। बाहर में भी देख सकते हो बस स्टॉप पर जो है इतने सारे लोग खड़े हैं, लेकिन इनकी काम क्या है? रोकना और चलाना भाई, टाइम पर तो पहुँचाते ही नहीं है। और साथ में बता दूँ आप सबको नॉलेज के लिए कि यहाँ आने के बाद जो है ना भाई रोड के ऊपर फूंक लियो, बस के अंदर ना फूंकियो। नहीं, अगर बस के अंदर फूंकते हो ना तो चालान भरना पड़ेगा, और अगर रोड पे फूंकते हो तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन उसमें भी थोड़ी डर है कि आप फटे रहे इसी में मत चले जाना कि सामने खड़े हैं उसके सामने जो है फूंक रहे हो भाई, ये गलत बात है। और मैं बता दूँ कि बस पर जो है चढ़ने के बाद जो है आपको ऐसी कोई काम करनी ही नहीं है। यहाँ पर देख सकते हो 112 नंबर भी दिया हुआ है कि अगर किसी के साथ छेड़छाड़ होती है तो उस तरीके से जो है आपको नंबर देख करके डायल करो भाई। और अगर कोई भी परेशानी होती है मतलब लड़के लड़की में और भी कोई सा भी मैटर होता है ना तो आप जो है बुला सकते हो और फ़ोन करो, तुरंत एक्शन लिया जाएगा भाई। तो संभल के यहाँ पर चलना, ठीक है? मिलते हैं। और बस अगर जो भी नया है भाई सब्सक्राइब कर लो और फॉलो कर लो भाई, जल्दी जल्दी फॉलो करो।